आदाब नमस्कार अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज़ के प्राइम टाइम में आप सबका खैर मकदम है और मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। मोदी सरकार का डंका चारों तरफ बज रहा है और उस डंके की चर्चा मोदी भक्तों में और मीडिया में ज़्यादा है, क्योंकि मीडिया हर बार ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए मोदी जी का 56 इंच का सीना आज इस देश के लाल आंखें दिखाई तो वो थर थर कांपने लगा। मोदी जी के इस कदम से आज वो देश जो है नेस्तनाबूत हो गया। यही तस्वीरें देश को दिखाई जा रही हैं, यही तस्वीरों के ऊपर चर्चा की जा रही है। पर मोदी सरकार अपनी नीतियों की वजह से देश भर में घिर चुकी है और दुनिया भर के लोग उसके ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। कभी अमेरिका जवाब मांगता है, कभी तमाम मुस्लिम देश जवाब मांगते हैं, कभी पड़ोसी मुल्क आरोप लगाते हैं। यही सब के बीच जो है हमने एक नीति जो थी मोदी सरकार की वो थी 370 की। उस 370 को लेकर के देश भर में तो वाहवाही भक्तों के बीच लूटने की कोशिश की, पर जो देश के बुद्धिजीवी थे उन लोगों ने सवाल खड़े किए। मोदी सरकार ने रातों रात 370 लगा करके पूरे कश्मीर को कैद में कर दिया, लोगों को ब्लैकआउट कर दिया और कोई भी दिखे तो छर्रे मारे जा रहे थे। जो जुल्म और ज्यादती की इंतहा पार की गई वो तस्वीरें कश्मीर की सामने आई। उन तस्वीरों को छुपाने की कोशिश की गई, किसी को भी जाने आने की इजाज़त नहीं थी, चाहे देश के राजनेता हों चाहे वहाँ के नेता हों। उन लोगों को हाउस अरेस्ट कर दिया गया, जिसके चलते अभी तक दो मुख्यमंत्री कैद में हैं मौजूदा सरकार के। लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं पर उसके ऊपर ध्यान देने को तैयार नहीं है मोदी सरकार। पर OIC ने इस बीच अहम बैठक बुला करके मोदी सरकार की नींदें उड़ा दी। कश्मीर को लेकर के अहम बैठक बुलाई गई, जो 370 हटाया गया। पाकिस्तान ने टर्की को कहा और टर्की के कहने पर ये अहम बैठक OIC की बुलाई गई, जिसमें 57 मुस्लिम देश शामिल हुए और उन्होंने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल खड़े किए। जो जुल्म और ज्यादती हुई उसके ऊपर चर्चा की गई। इस बीच भारत और पाकिस्तान लगातार अपना हक कश्मीर को लेकर के जता रहा है और ये बता रहा है कि कश्मीर उनका है, कश्मीर उनका है। कश्मीर को लेकर के एक लंबे अरसे से लड़ाई छिड़ी हुई है, एक सिल्वर रीजन लाइन है जो जाती है उसे चीन कंट्रोल कर रहा है। ये लगातार उन पहलुओं पर चर्चा की गई है जो बारीकी से कश्मीर के मुद्दे पर बात होनी चाहिए थी। सिल्वर रीजन का जिक्र हुआ, चीन जिसे कंट्रोल कर रहा है और चीन से किस तरीके के संबंध बने उस पर भी चर्चा हुई है, क्योंकि अहम मुद्दा है कश्मीर का OIC में जिसके ऊपर चर्चा हुई। इस बीच भारत और पाकिस्तान 4 बार कश्मीर को लेकर के दो दो हाथ आजमा चुके हैं, 4 बार युद्ध कर चुके हैं, 1948, 1965, 1971 और 1989 में ये लगातार युद्ध हुए और इस युद्ध में किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। जाने गई तो कई लाखों लोगों की जाने चली गई, जिसके बारे में ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने सवाल खड़े किए, इसके बारे में बताया और ये बताया कि ये जुल्म और ज्यादती की इंतहा थी, जिसको लेकर के दोनों देश आपस में ही 4 बार युद्ध किए। इसमें नुकसान हुआ तो सिर्फ और सिर्फ कश्मीरियों का, कश्मीर का नुकसान हुआ। और इसी के साथ साथ चर्चा हुई 5 अगस्त 2019 की। ये 5 अगस्त 2019 का जिक्र इसलिए हुआ क्योंकि मोदी सरकार के इतिहास में, क्योंकि इस सरकार को इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराने की ज़्यादा उत्सुकता है। इतिहास में जो कुछ लिखा हुआ है उसे अपने हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं। जो 70 साल की गाथा गाते रहते हैं, अब 70 साल तक जो जो कारनामे इन्होंने किए हैं बस इसी चर्चा में बहस निकल जाएगी। 5 अगस्त 2019 को बिल पारित किया गया और 370 हटाया गया और उसके बीच किस तरीके से कश्मीरियों को ब्लैकआउट किया गया, कश्मीरियों को कैद में रखा गया, तमाम मुख्यमंत्रियों को कैद में रखा गया, जिसके बारे में आज OIC में चर्चा हुई। OIC लगातार इस पर सवाल क्यों खड़े कर रहा है इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। OIC इन तमाम मुद्दों पर चर्चा क्यों कर रहा है इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है,
क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि जिस तरीके से मोदी सरकार के राज में इस्लामोफोबिया बढ़ा है और जिस तरीके से जुल्म और ज्यादती की जा रही है, उस जुल्म और ज्यादती की चर्चा हुई और जब उस जुल्म और ज्यादती की चर्चा हुई तो मोदी सरकार की नींदें उड़ गई कि आखिरकार जब देश भर में दुनिया भर में मोदी सरकार घिर चुकी है, जहां चीन से हमारा मसला चल रहा है, नेपाल से हमारा मसला चल रहा है, जहां नेपाल ने आज ऐलान कर दिया कि जो भी गोरखा हैं, जो सेना पर तैनात हैं, वो वापस आए, जिससे एक बड़ी मुसीबत साफ तौर पर आती हुई दिखाई दी, क्योंकि नेपाल चीन का मसला अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। ये सिर्फ हुआ है तो वो कट्टरवादी सोच जिसके चलते मोदी सरकार चलना चाहती है, देश को चलाना चाहती है, और देश को चलाने के चक्कर में जो मानवता का, इंसानियत का नुकसान हो रहा है, इसके बारे में चर्चा नहीं करना चाहती। और इसका अहम किरदार जो निभा रही है वो है यहाँ की मीडिया, जो हर बार पूरे देश में, दुनिया में लोग थू-थू करते हुए नजर आते हैं। जहाँ अगर बात की जाए, बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो कभी 350 ये मीडिया मारती है, कभी 500 मारती है, कभी 550 तो कभी 700 मारती है। तो वही अगर चीन से युद्ध हो तो चीन के 43 जवान मार दिए गए। ये तस्वीरें तो दिखाई नहीं देती, पर हमने देखी तस्वीर तो अपने देश के जवानों की, जहां 20 लाशों का ढेर लगा दिया गया और उन लाशों के ऊपर सियासत अब मोदी सरकार करती हुई नजर आती है। क्योंकि बिहार का चुनाव नज़दीक है, बिहार के चुनाव को भुनाने के लिए ये तमाम हथकंडे जो हैं अपनाए जा रहे हैं और इन हथकंडों को सवालों के घेरे में ला करके खड़ा कर दिया है। इस्लामोफोबिया का जिक्र बार बार हो रहा है, देश और दुनिया के लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार मोदी राज में ये हो क्या रहा है। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि कभी मीडिया एक ऐसा मुद्दा बनाता है कि मुस्लिम इस्लाम को बदनाम किया जाए, और जब टारगेट किया जाता है तो पूरी दुनिया की कम्युनिटी को कटघरे में लाती है और उसके ऊपर बड़ी बड़ी डिबेट होती है। उसका क्या असर पड़ रहा है देश पर, इसकी भी तस्वीरें देखी हैं। आए दिन मॉब लिंचिंग की घटनाएं आती हैं और ना जाने अपनी नीति और नियत के चलते देश भर में, दुनिया भर में किस तरीके की जो बातें उठ रही हैं वो भारतवासियों के लिए शर्मनाक है। क्योंकि ये सरकार आएगी, कल चली जाएगी, सवाल पूछा जाएगा और शक के घेरे में रहेगी तो भारतीयता, इंडियन सिटीजनशिप, इंडियन जो जाएंगे बाहर में उन्हें शक की निगाहों से देखा जाएगा। ये वही भारत है जहां मोदी सरकार जुल्म और ज्यादती की अपनी इंतहा पार कर रही है। मैं ऐसी ही तमाम तस्वीरों से, ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया। करिए और साइड में जो घंटी दी गई है ना, उसे भी झट से दबा दीजिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम आपकी आवाज को उठा रहे हैं और लगातार आपके मुद्दों पर उन लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो सत्ता की गुलामी करने पे मजबूर हैं। तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दी गई डोरबेल को दबाएं।